लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने पर सहमति होती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक आम आदमी पार्टी दक्षिण दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, नई दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली की सीट पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं बाकी बची हुई 3 सीटों पर उत्तर पूर्वी चांदनी चौक और पूर्वी दिल्ली कांग्रेस को दी जा सकती है। इसके अलावा 2 अन्य राज्यों में भी आप और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारा फाइनल हो गया है। बंटवारे का जो फॉर्मूला निकाला गया है उसके मुताबिक दिल्ली में जहां आप 4 सीटों पर लड़ेगी तो कांग्रेस को 3 सीटें दी जाएंगी। वहीं हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 1 और गुजरात में 2 सीट देगी। उसकी आधिकारिक घोषणा जल्द ही की जाएगी। इससे पहले मंगलवार को सीएम केजरीवाल ने कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में सीटों के तालमेल के लिए बातचीत अंतिम चरण में है और जल्द ही दोनों दलों के बीच गठबंधन की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसमें काफ़ी देर हो चुकी है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। देखते हैं कि अगले 2 से 3 दिन में क्या होता है। अरविंद केजरीवाल ने आगे बताया कि बाकी अन्य राज्यों में गठबंधन के लिए भी बातचीत हो रही है, बातचीत काफ़ी अच्छी चल रही है। वहीं दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंद सिंह रबली ने कहा कि मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति इंडिया ब्लॉक के सदस्यों के साथ लगातार बातचीत कर रही है। मेरा इस बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। दिल्ली में लोकसभा के 7 सीटें हैं और सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को 1 सीट का ऑफर दिया था। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक ने कहा था कि गठबंधन के तहत दिल्ली में 7 सीटों में से 6 लोकसभा सीटों पर खुद आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने और 1 सीट से कांग्रेस को चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस लोकसभा और विधानसभा में 0 सीट पर है और एमसीडी चुनाव में कांग्रेस 250 में से 9 सीटें जीत सकी हैं। संदीप पाठक ने कहा कि अगर आप मेरिट के आधार पर आंकड़े देखें तो कांग्रेस पार्टी का 1 लोकसभा सीट पर दावा नहीं बनता। तब सीट शेयरिंग पर हो रही बातचीत में देरी को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए आम आदमी पार्टी नेताओं ने कहा था कि वो इंतजार करते करते थक गए हैं और अगर कांग्रेस जल्द ही फाइनल फैसला नहीं लेती तो आप दिल्ली में उम्मीदवारों का ऐलान भी कर देगी। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में इंडिया गठबंधन को 3 बड़े झटके लग चुके हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि टीएमसी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। इसके बाद विपक्षी एकजुटता की कवायद के अगुआ नीतीश कुमार ने भी इंडिया गठबंधन का हाथ झटक एनडीए का दामन थाम लिया। यूपी में आरएलडी भी एनडीए में शामिल हो चुकी है।